कटकणा सत्वे फुटिला बाण, दिवाली सेलिब्रेशन बढ़ाइला दिल्लीर वायु प्रदूषण। चलित बर्ष दिल्ली में दिवाली में बाण फुटा उपरे थिला कटकणा। सरकार मध्य निज आड़ खूब चेष्टा करिथिले कि किपरि बिना प्रदूषण एवं बिना बाण रे दिल्ली दीपावली पाळु। हेले ई कटकणा संपूर्ण धुआंपरी उड़ी जाइथिबा देखिबा को मिलिथिला दिल्ली में। बारण सत्वे लोके खूब बाण फुटाइथिले आउ ए कटकणा बाणर शब्द रे कुआडे उभेई जाइथिला। दीपावली परे दिल्ली एनसीआर वायु प्रदूषण मात्रा एकदम खतरनाक स्तर में पहुंची देखा मिली। गुरुवार राति 11 सुधा दिल्ली में वायु प्रदूषण मात्रा 388 रे पहुंची जाइथिला, जहां अत्यधिक क्षतिकर बोली कहुए। तेबे दिवाली में सबुठ अधिक प्रभावित होइछि नोएडा। दिल्ली एनसीआर वायु प्रदूषण मात्रा 488 पहुंची। सेपरी गाजियाबाद में AQI 425, गुरुग्राम में 399 रही देखा मिली। देखिए जितना भी बैन के ऑर्डर था या जो भी इंस्ट्रक्शन थी फॉलो नहीं की गई है, क्योंकि दिवाली की रात को उतने ही पटाखे और उतने ही पोल्यूशन था जितना हर साल होता, कोई कम नहीं था। अब सारी रात पटाखे सुन रहे थे, पटाखों का जलना, उनकी आवाज़ आना, और मालूम नहीं बैन का बावजूद भी कैसे लोगों के पास आए। डाइऑक्साइड, ब्लैक कार्बन, ओजोन, ये सारे जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, ये जब फॉग के साथ मिलते हैं, स्मॉग बनता है जिसमें PM2.5 पार्टिकल्स होते हैं और PM10 पार्टिकल्स होते हैं। ये पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं, ये आपके सांस के रास्ते से अंदर जाते हैं, ये अपर एयरवे सिम्टम्स भी कराते हैं और साथ ही साथ लोअर एयरवे यानी कि रेस्पिरेटरी सिम्टम्स कराते हैं। इसके शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स में ज़्यादा सांस की बीमारियाँ होती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में बाकी ऑर्गन्स भी अफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट, लिवर, किडनी, ब्रेन, आपके स्किन, आपका मेंटल स्टेटस। In Delhi, we have not only Delhi but the entire Indo-Gangetic belt sees smog and very poor visibility for many days. This has a huge effect as far as the respiratory health is concerned. We are now also seeing effects in other systems also. Cardiovascular effect is also there. In the lungs, especially those who have underlying lung disease, people with chronic bronchitis, COPD, or people with asthma, their disease worsens because of this. या प्रभाव रे बहु लोकंको आखिरु पानी बाहरुथबा बेले गळा दर सेभापरी लक्षण मध्ये देखा जाउछि। एपरिकि निश्वास प्रश्वास ने परे कष्ट अनुभव करछन्ति लोके। एहा द्वारा अधिक प्रभावित होउछन्ति वयस्क ओ छोट पिला। तेबे एभली स्थिति आगुकु दुइ दिन मध्ये ठीक हेबो नै, तेनु लोक आहुरी असुविधार सम्मुखीन हेबे बोली चेतावनी दिया जाइछि। दिक्कत वही है कि आंखों में थोड़ी जलन हो रही है, सांस लेने से तो पता नहीं चल रहा, क्योंकि कंटिन्यू मास्क लगा रहे हैं उसकी वजह से तो पता नहीं चला, पर थोड़ा आंखों में प्रॉब्लम हो रही है, जलन सी हो रही है। क्या कहना चाहेंगे, क्यों अचानक इतना पोल्यूशन बढ़ गया? अचानक पोल्यूशन इसलिए हो गया क्योंकि कल जो है, अब यहाँ कनॉट प्लेस में तो कल से बहुत दिनों से ये अनाउंस कर रहे थे कि पटाखे नहीं जलाने नहीं जलाने, बट कोई तो रुका नहीं। अगर गवर्नमेंट कह रही है कि पटाखे नहीं बिक रहे तो लोग कहाँ से लाके बेच रहे थे? आफ्टर ऑल ये गवर्नमेंट की ही गलती है जो दिल्ली में पटाखे बिक रहे थे। पटाखे वगैरह बंद करने चाहिए क्योंकि इससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, पोल्यूशन हर समय बढ़े जा रहे हैं दिन पे दिन, लोग बहुत बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, सांसों की दिक्कत आएगी, आंखों में दिक्कत आएगी, ये अच्छा नहीं है, जो बहुत पटाखे बैन होने चाहिए। क्या लग रहा है देखने में आपको, क्या लग रहा है चारों तरफ? देख लग रहा है कि आज भी हवा में धुंध बहुत है, फॉग स्टार्ट हो गया, तो ये दिक्कत हो रही है लोगों की। आशा करता हूँ केजरीवाल जी से ये पटाखे नेक्स्ट ईयर बंद करवाए। सिपड़े राजधानी दिल्ली रे प्रदूषण नियंत्रण पर टेक्नोलॉजी रो सहारा लिया जाय छे। दिल्ली एनसीआर हाईवे रो वायु प्रदूषण रोकिबा पई एंटी स्मॉग मशीन स्थापन होई छे। तबे सबटो बड़ा प्रश्न, प्रकृति रे बाण फुटाइबा जको कोन दिल्ली रे एते मात्रा रे वायु प्रदूषण होई छे, नाओ किछि कारण रही छे। गुरुवार सकाळ 9टा सुधा दिल्ली रे AQI 339 रहितबा बळे संध्या 6टा सुधा यह रही 387, तेबे राति 11टा सुधा यह 388 रे पहुंची सारी। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।